अच्छा, नवी के सभी विद्यार्थियों, आपका जो 20 मार्च के लिए अपन रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से अपन तैयारी कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इससे पहले भी 4 से 5 वीडियो मैंने डाल दिए हैं पेपरों के, क्योंकि ये हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको, तो अच्छे से आप तो तैयार करिए, ठीक है, आप अच्छे से टॉपर बनोगे, है ना। लतायाम इति रूपम भवति सप्तम विभक्ति, बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम, तो बालकस्य लताए इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एकवचन से भविष्यति नदी, अज्ञ सोमवार वासरः अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति अज्ञ, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति अत्र आ जाएगा। पट धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एकवचन से रूपम पठसि, भविष्यति इति पदे पट भू धातु लिखतु में आपका लोट लकार आ जाएगा, यहाँ से भवंतु स्वागतम में आपका सु उपसर्ग है और दुराचार में दुर उपसर्ग रहने वाला है। भ्रमित्वा, भ्रमित्वा में आ जाएगा कत्वा, बाला का आ जाएगा टाप, विहाय का आ जाएगा लेप, और माता आदिशत का भैया पुत्रीम, और पूरा लग्धवी भौती का जाएगा छाया, और का तंत्रालु भौती छठे का जाएगा बाला, हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मध्यमा अंगुली इतनयो वाक्यो विशेष्य पुनम पदम अस्ति मध्यमा, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी अनियो पदियो विशेषणम पदम किम, स्वादुनी रात्रि इतस्य पर्याय पदम किम निशा, पौना इतस्य पर्याय पदम किम समीरा, कटु शब्द इतस्य विलोम पद अस्ति सरसा सरस, और विजय इतस्य पदस्य विलोम पद पराजय। विद्याधन आलयः इति पदे शब्दे दीर्घ संधि भवति आम, रत्नागरः इतस्य पदस्य संधि विच्छेद रत्नाधनगरः भवति न, स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते आम, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पांचवा भी चौथा भी आम रहेगा और छठा पांचवा भी आम और छठा भी आपका आम रहने वाला है, इतना हो गया इतना, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, निर्दया वृद्धया दुहिती की दृशि आसित सज्जना मैत्री की दृशि भवती, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 है। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम हाल में 100% देखने का चांस मिलेंगे, क्योंकि जिले में तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, चांस है आने के। इससे पहले 4 से 5 वीडियो और डाल दिए, उनको भी देख लेना है ना, आपके जिले का पेपर ना जाने कौन सा पेपर है, ये संभव नहीं हो पाया जांच पड़ताल में, पर हाँ पेपर है ये आपको मिलने वाला है। वसंते में आ जाएगा सरसा, विरम का जाएगा मोदकनी, और मती नीचाम, और यहाँ से कल्पतरु चतुर्तम, और यहाँ पर अन्य व्यम आ जाएगा, हो गया। घटना कथाक्रम संयोजित है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका देख लीजिएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का, हो गया भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अथवा रहेगा, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, जो कि शुरुआत करते हैं को। चलिए तो पहला शुरू करते हैं रामस्य। देखो रामस्य जो है ना वो राम की षष्ठी विभक्ति है और एक वचन वाला रूप है, तो ये आपका पहला हो जाएगा यहां पर, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलान फलानाम, फलानाम जो है ना षष्ठी विभक्ति है और ये भी एक वचनम है, ठीक है भैया, यहां पर हो जाएगा आपका ये। लताये, लताये की बात करें तो चतुर्थीय, चतुर्थीय एक वचनम है, ठीक है भैया, तो यहाँ पर इसका तीसरे का तो सामने ही तीसरा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, कवो,
कवो जो है सप्तमी है और एक वचन में, भानु ना, भानु ना जो पांचवा है भानु ना, इसका हो जाएगा आपका तृतीय एक वचनम, तो ये आपका पांचवा हो गया है यहां पर। ठीक है, सुपुत्रम, सुपुत्रम छठा जो है इसमें आपका उपसर्ग बताना है, तो यहां पर उपसर्ग जो है ना वो सु उपसर्ग है। अनुगच्छनम, अनुगच्छन, अनुगच्छन में आपका उपसर्ग बताना है, तो ये अनुगच्छन में उपसर्ग आपका हो जाएगा अनु। नदी, नदी है द्वितीय बहुवचनम, क्या है उपकरोति, उपकरोति में आपका उपसर्ग क्या है उप है, कहां पर है ये यहां पर मिलेगा आपको ना, नवा हो चुका है ये। ठीक है, यदि हम बात करें ऊपर की दसवें की, तो इसमें क्या है आपका, ठीक है प्रत्यागच्छति, तो प्रत्यागच्छति में आपका यहां पर उपसर्ग बताना है, और उपसर्ग इसमें है आपका प्रति, क्या है प्रति। शत्रुवा, शत्रुवद आदेशहा, शत्रुवद आदेशहा में प्रत्यय ही बताना है, तो आदेशहा प्रत्यय है, ये 11 हो जाएगा आपका। अलो अन्यात, इसमें आपका यहां पर उपदा आ जाएगा, और सुप्तियंता में आपका पदम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13वां। रट देना है बेटा, है ना, कंप्लीट कर लेना, कोई भी चीज कर लो, जैसे तैसे पार पढ़ लो। ठीक है, वाग प्लस ईसा, इसका होता है वागीसा, तो वागीसा में यहाँ पर आपका संहिता आ जाएगा, है ना, तो इसका मिलाना आपको चंद, और या वा राला, ठीक है ये आ जाएगा सम प्रासानम, तो ये आपका 15वां हो जाएगा। ठीक है भैया, ये दूसरा था ना, ठीक है भैया, हो गया इतना। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं अपन, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये यूनिट, ठीक है 4 है, इकाई 4, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर पट धातु लरट लकारः उत्तम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम अस्ति, तो वादिष्यामि एकदम राइट रहेगा इसका, है ना, क्या रहेगा वादिष्यामि। ठीक है, वद धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम अस्ति, वदत आ जाएगा। अगला है गम धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम अस्ति, तो यहां पर जाएगा गच्छेत, गच्छेत। हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम लिखत, तो इसका जाएगा हसाव, क्या जाएगा हसाव। अस धातु विधि लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एक वचनम भवे, अगला है राम धावती इतस्मिन वाक्य का धातु अस्ति, तो यहां पर है धाव धातु, कौन सी धातु है धाव। ठीक है, गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, गच्छति में आपकी कौन सी धातु है गम धातु है गम। अहम अपि आपनम गच्छामि वाक्य अव्ययम किम, देखो अहम अपि में इसमें अपि है, क्या है अपि, तो ये जो 8वां है ना इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपि, क्या जाएगा अपि। विद्या माता इव आसित,
अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम, तो विद्या माता है, इसमें कौन सा अव्यय पद है, तो ईव एकदम राइट रहेगा, ईव आ जाएगा उसका ना। बाल